चित्तौड़गढ़ से जहां गोवंशों को मुक्त कराया है पुलिस ने। दरअसल चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ हाईवे पर मेड़ीखेड़ा फाटक के पास एक कंटेनर से 45 गोवंशों को मुक्त कराया है। पुलिस ने सूचना मिलने पर नाकेबंदी कराई और भीलवाड़ा की ओर से आ रहे कंटेनर को रुकवाकर तलाशी ली गई, जहां कंटेनर में गोवंश भरे हुए थे। पुलिस ने 4 गोवंश तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस तस्करों से पूछताछ कर रही है। तो 45 गोवंश मुक्त कराए गए हैं, साथ ही 4 गोवंश तस्करों को भी पकड़ा गया है। फिलहाल इन गोवंशों को गौशाला में भिजवाया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ का ये मामला, जहां पुलिस को सूचना मिली थी कि कंटेनर में गोवंश भरकर लाए जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने नाकेबंदी की और भीलवाड़ा की ओर से आ रहे इस कंटेनर को रुकवाकर तलाशी जब ली गई तो इसमें 45 गोवंश पाए गए, जिन्हें मुक्त करा लिया गया और इस दौरान इन वाहनों को चला रहे लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गोवंश तस्कर 4 पकड़े गए हैं। फिलहाल इनसे पूछताछ कर इस पूरे जाल में शामिल और लोगों तक पहुंचने का प्रयास जारी है। और पीके अग्रवाल हमारे सहयोगी जुड़े हैं। पीके, और क्या जानकारी मिली है इस मामले में? कहां से इन गोवंशों को लाया जा रहा था? कोई और गिरफ्तारी की संभावना? इस प्रकार से मुखबिर की सूचना पर गंगाराम थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। भीलवाड़ा की ओर से ये कंटेनर आ रहा था और मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई जब हुई थी, तो हालांकि गुस्साए लोगों ने कंटेनर के कांच तोड़ दिए थे और चालक और जो अंदर लोग बैठे थे उनके साथ मारपीट भी की है, लेकिन पुलिस ने कंटेनर को अपने कब्जे में ले लिया, गोवंश को मुक्त करा दिया है। एक गोवंश मृत मिला है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस प्रकार से मेवाड़ के रास्ते गोवंश तस्करों ने एक अपना रास्ता बनाया है, लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है और ये पुलिस की 2 महीने के भीतर 7वीं और 8वीं कार्रवाई है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अब मेवाड़ में मादक पदार्थ के बाद में गोवंश तस्कर भी सक्रिय हो गए हैं और पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ पर लगी हुई है। हालांकि पुलिस का दावा है कि रैकेट तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन अभी तक जितनी भी कार्रवाई हुई है उनमें पुलिस अब रैकेट तक नहीं पहुंच सकती। अब देखने वाली बात यह होगी पुलिस जिस प्रकार से पूछताछ कर रही है उसमें गोवंश रैकेट तक पहुंचने का प्रयास कर रही है, पहुंच पाती है नहीं पहुंच पाती, ये देखने वाली बात होगी। ठीक, शुक्रिया जानकारी के लिए। भी और चलिए।